के संसद की सुरक्षा चूक पर लोकसभा राज्यसभा में हंगामे के आसार हैं। सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी विपक्ष उठा सकता है। संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली है। इससे पहले सुबह 10 बजे विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों की बैठक होगी। इसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि सदन में किन मुद्दों को उठाना है। सांसदों के निलंबन को लेकर भी रणनीति इसी बैठक में तैयार की जाएगी। सुबह की कार्यवाही 2 बजे तक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मिस्टर डेरेक ओब्रायन टू लीव द हाउस इमीडिएटली। संसद में सुरक्षा चूक मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों का पारा हाई है। यू हैव कमिटेड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, मिस्टर डेरेक ओब्रायन टू लीव द हाउस इमीडिएटली। विपक्ष सदन में लगातार हंगामा कर रहा है। इसके बाद विपक्ष के कुल 15 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित भी हो चुके हैं। जिन सांसदों को हंगामे पर सस्पेंड किया गया है उनमें टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन, कांग्रेस के लोकसभा सांसद टीएन प्रतापन, कांग्रेस के लोकसभा सांसद हिबी ईरन, कांग्रेस के लोकसभा सांसद एस ज्योतिमणि, कांग्रेस के लोकसभा सांसद राम्या हरिदास, कांग्रेस के लोकसभा सांसद डीन कुरियाकोस, कांग्रेस के लोकसभा सांसद बेनी बेहनन, कांग्रेस के लोकसभा सांसद वी के श्रीगंधन, कांग्रेस के लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद, सीपीएम के लोकसभा सांसद पीआर नटराजन, डीएमके के लोकसभा सांसद कनिमोई, सीपीआई के लोकसभा सांसद के सुब्बारायण, सीपीएम के लोकसभा सांसद एस वेंकटेशन, कांग्रेस के लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर शामिल हैं। संसद की सुरक्षा चूक मामले और सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष की मांग है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री दोनों सदन में बयान दें, संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो, बीजेपी सांसद प्रताप सिंह पर सख्त कार्रवाई हो। हालांकि पीएम मोदी एक अखबार को दिए इंटरव्यू में संसद की सुरक्षा चूक पर चिंता जता चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद और चिंताजनक है। वाद विवाद या प्रतिरोध के बजाय इसकी गहराई में जाना जरूरी, समाधान का रास्ता ढूंढने के लिए गहराई में जाना जरूरी। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को खत भी लिखा है। अधीर रंजन चौधरी ने लिखा कि जिन कारणों से हाल में 13 सदस्यों को निलंबित किया गया, मैं आग्रह करूंगा कि इस मामले को समग्र रूप से फिर से देखा जाए और निलंबन को रद्द करने और सदन में व्यवस्था बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए। वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम और एनसीपी के सांसद सुप्रिया सूले ने भी संसद में सेंध मारी और सांसदों के निलंबन पर चिंता जाहिर की है। इट्स अ सिक्योरिटी लैप्सेस, होम मिनिस्टर ऑलरेडी एडमिटेड दैट एंड दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, नो डाउट ऑफ इट। लेट देम इन्वेस्टिगेट द मैटर, दे हैव ऑलरेडी रेज्ड द इशू एंड दैट्स व्हाई डायरेक्ट द लीडर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस पार्टी इज बीन सस्पेंडेड एंड ऑल्सो देयर आर 15 अदर कांग्रेस एंड डीएमके एमएलएस, दे आर ऑल्सो सस्पेंडेड। It's a very unfortunate incident, but I must say with a lot of pride that all the MPs stood united in saving each other and the entire Lok Sabha staff. I have only gratitude in my mind that I'm standing here. It's because of all my colleagues in Parliament. हालांकि संसद में सेंधमारी के आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया है। साथ ही लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर भी एक्शन हुआ है। उसके बाद भी संसद में हंगामा जारी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।